हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम फैशन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए मैंने ब्लाउज की लंबाई ली है 14 इंच, शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 6 इंच, सीना 11.5 इंच एंड कमर के लिए 11 इंच लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसमें गले की मार्किंग। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पे 2.5 इंच, लंबाई हम 10 इंच रख रहे हैं गले की। इसके बाद हमने यहाँ पर गले को कुछ इस तरीके से शेप दिया है। फ्रेंड्स, ब्लाउज में मैंने अस्तर को पहले से ही सिल लिया था कपड़े में, क्योंकि कपड़ा इसका थोड़ा हल्का था। इसके बाद हम कर लेंगे गले की कटिंग। गले की कटिंग करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और इसमें पाइपिंग लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें पाइपिंग वाली रस्सी फंसाकर अच्छे से पाइपिंग बना के रेडी कर लेंगे। रस्सी लगाकर पाइपिंग बनाने से पाइपिंग आप देख सकते हैं कितनी बिल्कुल पतली बनी है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है इसे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है और इसकी लंबाई मैंने लगभग 60 इंच रखी थी। और अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से पलट लेंगे। पट्टी पलट के रेडी है। इसके बाद हम इसमें प्रेस लगा लेंगे और अब बनाएंगे हम इसमें प्लेट्स। तो प्लेट्स हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। बीचों बीच पट्टी के बीचों बीच हमें सिलाई लगाते हुए अपनी तरफ एक एक प्लेट्स डालते जाना है, आधा आधा इंच पे। सेम इसी तरीके से हम सारे प्लेट्स बना लेंगे इसमें। अब हम ब्लाउज को ओपन करेंगे और इसमें इस फ्रिल को हम अटैच करेंगे। फ्रिल अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के छोटे साइज के मोती लिए हुए हैं और अब मैं इनमें टक करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सुई को बीच में इस तरीके से डालना है। प्लेट्स को हमें एक साइड से उठाना है, टक कर देना है। दूसरी साइड से भी हम प्लेट्स को उठाएंगे और इसे भी हम धागा से टक कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर एक मोती को टक करेंगे।
मैं फिर से आपको बता रही हूँ मोती को टक करना। एक प्लेट्स को हम उठाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से बीच में टक कर देंगे। दूसरे प्लेट्स को हम उठाएंगे और इसे भी हम टक कर देंगे। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से मोती को टक कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम पूरी फ्रिल में मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज में मोती को अटैच कर लिया है। इसके बाद ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली हुई है और अब हम फ्रिल के किनारे किनारे इस लेस को भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को भी लगा लिया है और अब यहाँ पर मैंने कपड़े के कुछ टुकड़े लिए हुए हैं। इनकी लंबाई मैंने 3x3 इंच रखी है और अब हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल का शेप देकर इसके दोनों कॉर्नर को कट करके कुछ इस तरीके से इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें सभी कपड़े के पीस को इस तरीके से गोल शेप में कट कर लेना है और अब हम इसमें सुई धागा से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पास पास लगानी है इसमें। इस तरीके से सिलाई लगाने पर ये हमारी छोटी सी पत्ती बन के रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम ये भी जितने भी हमारे कपड़े हैं पीस हैं हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पीस में सिलाई लगा ली है और अब हम धागा को हल्के हाथों से खींचेंगे। सबसे पहले हमें इसे सीधा कर लेना है एक ही साइड में। इसके बाद हमें धागा को खींचना है। धागा को अच्छे से खींच के हम इसमें नोट लगा देंगे तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे अच्छे से टक कर देंगे। फ्लावर बन के रेडी है और अब हम फ्लावर को बीच में निशान लगा लेंगे बिल्कुल ब्लाउज के बीचों बीच और इस फ्लावर को भी इसमें टक कर देंगे। ऊपर के साइड ये मैंने गोल्डन कलर की फैंसी बटन रखी है। इस बटन को भी हम इस फ्लावर के साथ ही टक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा डिजाइनर ब्लाउज बनके रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।